गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने शैवालों और ब्रायोफाइट्स का अध्ययन किया था, उसी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के प्रक्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा ग्रुप के लक्षणों एवं उसके समूह के सदस्यों के बारे में। तो चलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा। शुरू करते हैं बच्चों। टेरिडोफाइटा ग्रुप के जो सदस्य होते हैं वो शैवाल और ब्रायोफाइट्स, इनसे भी ज्यादा एडवांस फीचर्स वाले होते हैं। अब अगर कहा जाए कि इनके आर्थिक महत्व के बारे में, तो इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये मुख्यतया सजावटी पौधों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे फर्न वगैरह के प्लांट आप देखते हैं घरों में, सजावटी पौधों की तरह यूज किए जाते हैं। अब अगर हम कहें तो इनके विकास की दृष्टि से ये कैसे हैं, ये प्रथम पादप हैं जिनमें संवहन ऊतक जो है वो उपस्थित रहता है, और जो संवहन ऊतक रहता है वो होता है जाइलम और फ्लोएम। ये आप सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा और मालूम होना भी चाहिए कि जो संवहनी ऊतक, क्योंकि पौधों तक जल और भोज्य पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या परिवहन होता है वो इन दो ऊतकों के माध्यम से होता है, जिन्हें कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। तो ये पहले ऐसे पौधे हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रथम पादप कौन थे, किस वर्ग के थे जिनमें संवहन ऊतक उपस्थित था। तो आप कहेंगे कि प्रथम पादप वो है टेरिडोफाइटा ग्रुप के सदस्य। अब अगर हम बात करें जीवाश्म रिकॉर्ड की, क्योंकि जब हम जैव विकास का अध्ययन करते हैं तो जीवाश्म रिकॉर्ड का देखना बहुत जरूरी होता है। तो जीवाश्म रिकॉर्ड के आधार पर ये 350 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उपस्थित थे, और ये उस समय की सबसे प्रभावी वनस्पति माने जाते हैं। तो ये जो टेरिडोफाइटा है ये उस समय की सबसे प्रभावी वनस्पति के नाम से जानी जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको नीट एग्जाम के पर्पस से भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जनरली ये जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ठंडे, नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको भी जल की आवश्यकता होती है। कुछ सदस्य जो होते हैं इस प्रजाति के वो रेतीली मिट्टी में भी पाए गए हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, अर्थात जो मुख्य पादप काय है, वो जो होता है वो अवस्था होती है स्पोरोफाइट स्टेज। कौन सी स्टेज होती है बच्चों? स्पोरोफाइट होती है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट स्टेज प्रमुख होती है, और इसके उल्टा यदि हम कर दें तो हमने देखा था कि ब्रायोफाइट में युग्म पोधभिज अवस्था मुख्य होती है, अर्थात इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक स्टेज वाली होती है। ये हमको बहुत अच्छे से नोट करना है और ध्यान देना है। अब ये जो स्पोरोफाइट स्टेज आती है, तो इसमें अभी तक हमने थैलाब स्ट्रक्चर पढ़ा शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, अब हम यहाँ देखेंगे कि वास्तविक रूप से इसमें रूट, स्टेम यानी तना और पत्तियां, ये सब वास्तविक रूप से उपस्थित होती हैं। और सबसे मेन फीचर क्या हो गया, पहला फीचर तो इनका ये हो गया, दूसरा हो गया कि इनमें स्पष्ट संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति होती है। ये दो फीचर्स जो हैं, ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो एल्गी और ब्रायोफाइट से ज्यादा एडवांस होके हमको टेरिडोफाइट में मिलते हैं। ब्रायोफाइट में मूल यानी रूट उपस्थित नहीं रहती, मूलाव यानी राइजॉइड उपस्थित रहते हैं। ये आपको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट देखें हम, वही तो अब हम देख लें एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें स्पोरोफाइट जो अवस्था रहती है वो मुख्य कैसी रहती है, मुख्य पादप काय माना जाता है। ये स्टेज ये हो गई अपनी मुख्य पादप काय, जबकि ब्रायोफाइट में क्या होता है, ये मुख्य पादप काय नहीं होता, ये युग्म पोधभिज पर आश्रित रहता है। और यहाँ पर ये मुख्य पादप काय होता है, और इसका जो युग्म पोधभिज अवस्था रहती है गैमेटोफिटिक जो स्टेज रहती है ये कम प्रभावी होती है, ये हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम
बीजाणु धानी की बात करें, क्योंकि ये स्पोर बियर करते हैं, बीजाणु निर्माण होता है इनमें, तो इनमें जो बीजाणु धानी होती है वो बीजाणु पर्व में होती है, मतलब बीजाणु पर्ण में होती है, पत्तियों जैसी संरचना ही होती है, उसमें बीजाणु के वो लगे रहते हैं। तो या तो ये सघन संरचना होती है या ये शंकु रूप में होती है, जैसा कि इक्विसिटम में पाई जाती है। इसको भी हम देखें तो यहाँ पर ये बीजाणु हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बीजाणु पर्ण है, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा इन पौधों को, अगर लगे देखा हो तो उनके पत्तियों के ही सिरे में क्या होते हैं, बहुत सारे बीजाणु का निर्माण हो जाता है और ये सघन रूप से लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब ये जो बीजाणु होते हैं, इसका बीजाणु अंकुरित होगा, अंकुरण करेगा, सीड जर्मिनेट होगा, उसके बाद इससे एक अस्पष्ट छोटा प्रकाश संश्लेषी अर्थात प्रकाश संश्लेषण करने वाला थैलस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहा जाएगा युग्मक उद्भिद। और ये युग्मक उद्भिद जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये युग्मक उद्भिद, ये कैसा है, अस्पष्ट है, छोटा है, प्रकाश संश्लेषी क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी है, थैलस टाइप का स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है, और ये युग्मक उद्भिद अर्थात गैमेटोफिटिक को जन्म देता है। ये जो गैमेटोफिटिक रहता है इसमें ही नर युग्मक उंधानी में यानी एंथ्रिडाइट्स और मादा युग्मक जो है वो स्त्रीधानी अर्थात आर्किगोनियम में प्रेजेंट रहते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है, ये आपके नॉलेज के लिए हमने दिखाया। अब टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो जो बीजाणु है या स्पोर उसकी प्रकृति एक सी होती है अर्थात वो एक ही प्रकार के माने जाते हैं, ऐसे बीजाणुओं को कहा जाता है समबीजाणु, और अगर वो दो प्रकार के अलग अलग टाइप के होते हैं तो उनको कहा जाता है विषम बीजाणु। जो विषम बीजाणु होते हैं स्पोर उनमें भी दो प्रकार की कैटेगरी होती है, पहली बृहद और दूसरा लघु आकार के। जो बृहद आकार के बीजाणु होते हैं वो मादा युग्मक उद्भिद को जन्म देते हैं और जो लघु होते हैं वो नर युग्मक उद्भिद को जन्म देते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते बच्चों, युग्मकोद्भिद जो होते हैं फिर से वही जो युग्मक का जो निर्माण होता है वो युग्मकोद्भिद में होता है, और जो नर युग्मक बनता है वो उंधानी में बनता है, और जो मादा युग्मक बनता है वो स्त्रीधानी या आर्किगोनियोफोर में बनता है। अब इन युग्मकों के संयोजन से युग्मक का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और जो युग्मकोद्भिद रहता है उससे आगे स्पष्ट बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट प्लांट का जन्म होता है। तो ये था टेरिडोफाइट में जन्म और उसकी प्रक्रिया। अब इसके जो वर्ग हैं इनको चार भागों में आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके हिसाब से मैं पढ़ा रही, तो इनको चार भागों में बांटा गया है। पहला है साइलोपसीडा, दूसरा लाइकोपसीडा, तीसरा स्पिनोपसीडा और चौथा टीरोपसीडा। ये चारों वर्ग में जो है उनमें से पहला जो है साइलोपसीडा उसका एग्जाम्पल है साइलोटम। अब दूसरा जो वर्ग आ गया लाइकोपसीडा, तो लाइकोपसीडा का उदाहरण है एग्जाम्पल है सेलेजिनेला। और तीसरा वर्ग जो मैंने आपको बताया स्पिनोपसीडा, इसका उदाहरण है इक्विसिटम यानी हॉर्स टेल जो प्लांट के नाम से जाना जाता है, इसको हॉर्स टेल भी कहा जाता है। और चौथा है टीरोपसीडा, इसका उदाहरण है ड्रायोपटेरिस। तो बच्चों ये थे हमारे टेरिडोफाइटा वर्ग के प्रमुख लक्षण और उनके सदस्यों के बारे की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए आप इनको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें, लर्न करें और अच्छे से ध्यान रखें कि आपको इनको याद करते जाना है। और हाँ बच्चों एक बात और मुझे बोलना है कि अब जो आपको क्लास टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे वो सिर्फ पीडीएफ मटेरियल से नहीं होंगे, आपको पूरा वीडियो देखना भी कंपलसरी रहेगा, तभी आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।